अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चल ठीक है, सारंग बुरा है, लेकिन उसी सारंग ने बिरवा के साथ लगन किया तब क्यों नहीं बोली कुछ? बिरवा को बेटी मानती है ना तू, हाँ, तो तब क्यों नहीं बोली? मिन्मा, तब मुझे पता नहीं था सारंग के बारे में। बिरवा ने अपने लगन के कुछ दिनों बाद बताया था मुझे। उसने कसम दी थी मुझे कि मैं ये बात किसी से ना कहूँ, इसीलिए मैं चुप थी। अच्छा, उसने कसम दी और तूने खा ली, कुछ नहीं बोलूंगी मैं? छोटी, ऐसा बोलना कि अपनी औकात दिखा दी तूने आज। नानका ने जिस लड़की से सारे संबंध तोड़ दिए हैं, उसी लड़की के साथ खड़ी होगी तू आज इस घर में? हर मुसीबत में मैं सबका साथ दिया और अपनी बहन का साथ दूंगी। मैं दूंगी, जैसे सुभद्रा मालकिन ने आपका साथ दिया था जब आपने भूल की थी। मेरे कहने चुप रहे। मुंगी ने करवाई मेघा की सवाई, मुंगी मुंगी मां बनने वाले। मेघा ने सारंग से लगन की ताकि वो मुंगी का जीवन, सारंग बुरा आदमी, वो इन दोनों का जीवन बर्बाद करना चाहता। मैंने माँ को बहुत कुछ बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने उनका दिल बहुत दुखाया। जानबूझ के नहीं दुखाया होगा, इतना तुम्हें जानता हूँ। चिंता ना कर, थोड़ी बार में क्रोध शांत हो जाएगा उनका। पर मुखी ने जो भी भूल की वो तो वो ठीक नहीं होगी ना। भूल की होती तो ठीक हो जाती, पर मुंगी ने तो अशु बोलो, उसकी बहन ने उस पर विश्वास किया, ने उसने विश्वास किया था। सबसे अधिक दुख मुझे इस बात का है कि मेरी दोनों दिकरी आज जीवन की ऐसी जगह में है जहां मैं दोनों के लिए कुछ कर नहीं सकता। क्या हुआ सूरज, तुमने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? एक बैड न्यूज है प्रभाती, आज ही मैं अपने ऑफिशियल ट्रिप से वापस आया तो मुझे जूही से पता चला कि सारंग ने। अब क्या किया उसने? सारंग ने हमारी कंपनी का पार्टनर होने का बहुत गलत फायदा उठाया बदला लेने के लिए। उसने हमारी कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी डील की है और उसने डील के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे ऐसे क्लॉजेस डाल दिए हैं जिससे हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट में जो समय लिखा है, अगर उस समय के तहत हमने ऑर्डर पूरा नहीं किया तो हमारी कंपनी लीगली पेनल्टी भरेगी। उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कंपनी ने हमें लीगल नोटिस भेजा है कि हमने उनका असाइनमेंट टाइम से नहीं भेजा, इसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो भी 65 करोड़ रुपये की। अगर हम पेनल्टी नहीं भरते हैं तो कंपनी हम पे केस कर सकती है। सूरज, तुम उनको समझाते क्यों नहीं कि सारंग हमारा पार्टनर नहीं रहा? बिरवा, ये बिजनेस है और बिजनेस में कुछ पर्सनल नहीं होता है। एंड टेक्निकली स्पीकिंग सारंग अभी भी हमारी कंपनी में पार्टनर है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया तो गया, साथ में इतना बड़ा पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। सूरज, बात पेनल्टी की नहीं है, बात हमारे कंपनी की रेपुटेशन की है। हमारी कंपनी की रेपुटेशन तो खराब हो ही जाएगी अगर हम पेनल्टी भरते हैं तो भी, और अगर हम पेनल्टी ना भरते हैं और वो हम पर केस करते हैं तो भी। सारंग ने हमारी कंपनी की रेपुटेशन को दांव पर लगा दिया है जिसके तहत हमारी कंपनी पर सील भी लग सकता है। आई थिंक कुछ करने से पहले हमें पापा से बात करनी चाहिए। इसे जाकर विशाल के कमरे में रख दे। वो मेरे पास कंप्यूटर नहीं है ना, मैं तेरे घर पे आ जाता हूँ अपना प्रोजेक्ट करने। चल बाय। तू दिख रहा
आओ। किससे बात कर रहा था? दोस्त से कर रहा था। हम? मेरे पास कंप्यूटर नहीं है ना, मुझे स्कूल से काम मिला है। कंप्यूटर इतले? चल वांदो नहीं, जो पण होवे ला दूंगा। हो तुझे मालिक चिट्ठी। हाँ कोनी छे? अरे वाह जो मोटी बहन, सुरेखा ने राखी भेजी है। पापा क्यों? अच्छा इतना परेशान क्यों है? पापा पापा सारंग ने हमसे बदला लिया है। पापा अगर ऐसा होता है तो हमारी कंपनी सील कर दी जाएगी। 65 करोड़। चिंता ना कर, हम कर लेंगे बंदोबस्त। पापा आपने मुझे इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल के दी, उसके बाद अगर मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स में आपसे पैसे लूंगा तो वो सही नहीं है ना पापा? ये गांडा जी बात तो कर रहा है, तेरी तकलीफ या घर की तकलीफ है ना, कुछ करेंगे तो चिंता ना कर। दिख रहा तेरा बंदोबस्त करने रुपये का? जी पापा। तुमने जो वो सारंग के सामने झुकने का नहीं हो? पापा पेनल्टी तो हम भर देंगे, लेकिन सारंग की वजह से सूरज ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खो दिया, उसका क्या? हाँ वांदो नहीं वांदो नहीं, ये ऑर्डर तो क्या इससे भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे इसको। जो जय पेपर्स पर साइन करो। क्या ये? मेरे बच्चों का भविष्य। मैं अपने बच्चों के नाम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट? डोंट वरी, तुमसे कुछ नहीं मांगू। ये इन्वेस्टमेंट मेरे पापा कर रहे हैं, क्योंकि तुम तो मेरे बच्चों को कुछ देने से रहे, पर आई होप कि एक पिता होने के नाते तुम एटलीस्ट अपना सिग्नेचर तो करोगे। हमारे बच्चों के लिए तुमने अपने पापा से पैसे मांगे? हाँ तो क्या हुआ, अगर मेरे बच्चों के पापा उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो मेरे पापा करेंगे, और वैसे भी वो कोई पराये नहीं, इनफैक्ट अपनों से भी ज्यादा अपने हैं वो। तोरा लगन के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी इस घर की बनती है, मेरी बनती है। हाँ, अगर... बनती है तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन कितनी निभाई तुमने अपनी जिम्मेदारी? हाँ तुम अपने बच्चों के लिए अपने पापा से अधिकार नहीं मांग सके, तो मैंने अपने पापा से मांग लिया। और वैसे भी कुछ समय बाद तो तुम्हारे पापा के पास कुछ बचेगा नहीं, दोनों हाथों से पैसे जो लुटा रहा है वो। हितेन तुम्हारे हाथों में आज भी कुछ नहीं है और कल भी कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारा वर्तमान मैं अपने बच्चों का भविष्य नहीं बनने दूंगी। सो मिस्टर हितेन माहियावंशी, साइन द पेपर्स। एक बात याद रख, तुम्हारे बच्चों का पिता और तुम्हारा पति अब भी जिंदा है, और मुझे किसी के खैरात की जरूरत नहीं। मैं वक्त का खाना खिला सकता हूँ तुम्हें और मेरे बच्चों को, और आज के बाद अपने पापा से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है।